पीएम मोदी को मिस्र के सबसे बड़े सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने पीएम मोदी को ये सम्मान दिया। बता दें कि ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। पीएम मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी की मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि भारत और मिस्र के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय यात्रा पर मिस्र में पहुंचे हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने मिस्र की ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। बोहरा मुस्लिम समुदाय के मौलानाओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी को कुछ खास तोहफा भी दिया। बता दें कि अल हकीम मस्जिद का निर्माण 11वीं सदी में किया गया था, जिसका पुनर्निर्माण 1980 में दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय ने कराया था। अल हकीम मस्जिद की इमारत को एक खास किस्म के ईंटों से बनाया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के काहिरा में हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। बोल रहे कि भाई कल जो हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान है जो बोल रहा है कि भाई कुश्ती का काला दिन है, बोले एक ट्रायल के लिए बोल रहे हैं, तो मैं सभी देशवासियों को बताना चाहूंगा वो ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी के मेंबर हैं खुद। उन्होंने वो लेटर पढ़ा है या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, उन्होंने पढ़ना आता या नहीं आता, वो देख कर बोला है या बिना देखे बोल दिया, क्योंकि उनका काम जहर बोलना है समाज में। उस लेटर में हमने कोई ऐसी चीज नहीं लिख रखी भाई हम एक ट्रायल देंगे। दूसरी बात, हमने सिर्फ समय मांगा है गवर्नमेंट तो रहे कि भाई हम सह बिन्ना अपनी बाल बेटिया की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने टाइम दिया जा ना कि हमारी एक ट्रायल लीजा जो फर्स्ट आओ उसने कर ला। तो पूरे देश को आज बता देता हूँ जो आज आवाज उठा रहे हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान योगेश्वर दत्त, 2010 एशियन गेम्स की बात बता देता हूँ, उनको इंजरी थी। एशियन गेम्स कितना बड़ा टूर्नामेंट होता है, अभी भी एशियन गेम्स का ही वो बोल रहे ना कि एक ट्रायल के लिए, तो जो सेकंड खिलाड़ी था उनको इंजरी होने के कारण उसने सेकंड में पासपोर्ट दे दिया जिसका नाम था रजनीश। उन्होंने क्या किया कि बोला मैं तो खेल लूंगा, सेकंड ने पासपोर्ट देने के बाद वो बोला मैं खेल लूंगा, लास्ट जब 10 दिन रह गए कि नाम चेंज नहीं हो सकता तब बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। देश के साथ कितना बड़ा धोखा दिया उन्होंने। 2012 के बाद 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सीधी टीम भेजी गई थी, एक तो हमारे पहलवान जी जो बोल रहे हैं वो थे, दूसरे पहलवान का मैं नाम नहीं लूंगा कि भाई कौन था उनके साथ। ये दो आदमी रोज फेडरेशन में जाके बैठते थे कि बिना ट्रायल हमारी सिलेक्शन कर दो। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ओलंपिक के बाद 2013 में आपने कौन से तीर मार दिए थे कि आप बिना ट्रायल सिलेक्शन करवा लो। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ 3 खिलाड़ी बैठे हैं आज तक बिना ट्रायल के कोई भी टूर्नामेंट में नहीं जाने देते, और आप बोल रहे हो कि मैं जूनियर खिलाड़ियों के लिए हमेशा आवाज उठाता हूँ। 2012 में जूनियर लड़कियों के कैंप में घटना हुई थी, आपने उन जूनियर खिलाड़ियों के बारे में कोई आवाज उठाई एक कि ये चीजें हमने सुनी है, ट्विटर पे डाल रखा वो चीज कि ये चीज हमने सुनी है, सुनी थी तो आप बहन बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? अगर आप कुश्ती के इतने बड़े देशी हैं, आप खुद बोलेंगे ये चीजें शोषण होता है ये हमने सुना था। आपने बोल दिया कि विनेश ने पहले ब्रजभूषण जी को क्यों नहीं बताया, अरे जो शोषण कर रहा उसी को जाके बताया गया, ये लड़ाई हमारी आपके साथ नहीं है, जिसको आप बचा रहे हो ना जो उसके साथ है उसको बचने नहीं देंगे, आपके गुरु ब्रजभूषण को बचने नहीं देंगे जब तक वो जेल में नहीं चला जाता है, जब तक उसने जो कुकर्म किए हैं लड़कियों का शोषण किया है, जब तक उसको सजा नहीं मिल जाती है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए हम मर जाएं, उसको तो जेल में हम डालेंगे, आप ये बात याद रखना। हमारे 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को लेकर खूब चर्चा है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने विपक्ष का हिस्सा बनने के लिए एक और शर्त रख दी है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि अगर देश को बचाना है तो सबसे पहले कांग्रेस को ये घोषणा करनी चाहिए कि वो तीसरी बार राहुल गांधी पर दाव नहीं लगाएगी और विपक्ष को मजबूर नहीं करेगी। प्रियंका ने कहा कि देश के हित में ये संविधान बचाने से भी
ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।